आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार 7 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन, तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग वो भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का के अनुसार इन दिनों बाल लीला की भावना के श्रृंगार धराए जा रहे हैं, जिसके तहत आज प्रभु को मल्लकाच्छ और टिपरा के साज के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। कहने लाग मो सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आवरण से मिलवा नूपुर पेंजनिया और बिछिया धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज माखन लीला के सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है, जिसमें एक ओर श्री कृष्ण एवं दूसरी ओर श्री बलराम जी मल्लकाच्छ टिपारा के श्रृंगार में अपने बाल सखाओं के साथ माखन चोरी की लीला करते हुए चित्रांकित किए हुए हैं। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के
रत्न जड़ित दो पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घा जी पर बंटा जी पधराए गए हैं तो दूसरे पड़घा जी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की त्रष्टि जी पधराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र गुलाबी रंग की मलमल के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में मल्लकाच्छ धराया है, जिसके साथ दो पटका धराए गए हैं। विशेषता यह है कि यह सभी वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। मल्ल एवं कच्छ के संयोजन वाले मल्लकाच्छ के यह वस्त्र विशेष तौर पर पहलवान पहनते हैं और मल्ल अर्थात कुश्ती करते हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के मलमल के धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को मध्य का अर्थात घुटनों से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण, हरे मीना एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से एक कमल माला धराई गई है, साथ में हास त्रवल आदि भी धराए हुए हैं। इन सभी माला जी के नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज टिपारा का साज धराया गया है। आज प्रभु को गुलाबी रंग की मलमल से ही सिद्ध की हुई टिपारा की टोपी धराई गई है। टोपी पर रत्नों का सिरपेच धराया है तो इसके ऊपर मध्य में मोर शिखा धराई हुई है, जिसके दोनों तरफ दोहरा कतरा धराए हुए हैं। इस समग्र संयोजन को ही टिपारा का साज कहते हैं। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित हरे मीना के मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में पुष्प छड़ी धराई गई है, साथ में जीने लहरिया की वेणु जी धराई हुई हैं। स्वर्ण के लहरिया वाले ही दो वेत्र जी प्रभु की कटी पर धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट गुलाबी रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाग बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय
आज हरी पकरण पाए चोरी, राजभोग के समय मोहे बड़ो कर ले री मैया, संध्या आरती में महरपूत तेरो केसो हूँ बरज्यो न माने, शयन के समय मोहन माखन चोरी करत फिरत, पोड़वे के पद में नैनन नींद आए गई शाम, कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख अन्य बाल भाव के कीर्तनों का भी गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला ग्वाल राजभोग उत्थापन भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर बाल भोग रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला राजभोग संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। शीतलता प्रदान करने की भावना से प्रभु श्री जी की सेवा में कुछ और विशेष भी होता है, जिसके तहत ठोस एवं तरल प्रकार में प्रभु को सतुआ का भोग अरोगाया जाता है, साथ में पुष्पों की विशेष सेवाएं भी होती हैं, जिसके तहत गुलाब मंडली कली के साज एवं मंडली तथा अन्य सेवाएं भी हो रही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कहने लागे मोह ले आ बलई की
बाल लीला के पद यशुमती मन अभिलाष करे, राग भैरव ताल धमार। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।